2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उससे पहले ही 9 साल के कार्यकाल पूर्ण हुआ है, उसको लेकर कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद है। सर, कार्य समिति की बैठक और जनसंपर्क अभियान की भी एक महीने का चल रहा है, किस तरीके से बैठक में क्या रहा, कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी? देखिए, 9 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल कार्यकाल के, यशस्वी कार्यकाल के, और एक भारत के एक वैश्विक पटल पर भारत एक नए स्वरूप में जो उभर कर आया है, इन सारे इश्यूज को लेकर के और एक महीने का महासंपर्क अभियान ये पार्टी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और इसमें तमाम जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हैं, युवाओं के कल्याण की जो योजनाएँ सरकार के द्वारा चालू की गई, उनका बारे में आम आदमी को बताना, आम मतदाता को बताना, और सरकार स्टेट की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाना, ताकि हम आम आदमी से अवगत हो सके। और जो योजनाएं कई बार लोगों के ध्यान में नहीं होता, लाभ नहीं उसका उठा पाते हैं, तो उन योजना का लाभ लोग उठाएं, उस जिससे महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बूथ थे सर 2022 के चुनाव में भी जो कमजोर थे और उसको मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्या वो उपलब्धियां जो गिनाई जा रही है वो क्या आम जनता तक पहुंच रही है, वो सारी चीजें जो उपलब्धियां बूथ तक पहुंचने का जो मकसद है वो यही है कि जहां तक नहीं पहुंचे या जो कमजोर बूथ हैं उन बूथों को मजबूत करके और वहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में पार्टी वहां पर पूरे बहुमत के साथ जीत कर आए। 51% का टारगेट रखा गया है, उस हिसाब से काम चल रहा है। 51% का टारगेट थोड़ा समझाइए सर, कैसे इसको, इस टारगेट किस लक्ष्य को कैसे रखा गया है? 51% का मतलब है कि पूर्ण बहुमत, अगर सामने एक ही कैंडिडेट रहता है तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं पूरे देश में, यदि वो कितने सफल हो पाते वो तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं कोई किसी के साथ जाता है नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पार्टी की अपनी कोशिश है हम अपने बल पर जीत कर आए। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो बूथ है उसको मजबूत करना है और 51% का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मतदाता उससे आकर्षित हो और उसके साथ ही जो उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही है वो जाकर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पहुंचे और बूथ स्तर तक उनको बताएं। कैमरामैन के साथ मैं खबर देहरादून।